नाज़रीन इकराम, जहां लोग मज़हब इस्लाम पर तरह तरह से उंगलियां उठाते हैं, मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में कि हिंदू भाई का सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वाकई में ऐसा वीडियो है कि यकीनन आप लोगों का दिल देख करके खुश हो जाएगा। इस हिंदू भाई ने तमाम ही लोगों का दिल जीत लिया। इस हिंदू भाई ने वीडियो में जो भी बताया यकीनन वो बहुत अच्छा है और आप लोगों के दिल को खुश कर देने वाला है। लॉकडाउन में जहाँ पर उस शख्स की किसी ने मदद नहीं की, तो ऐसे में मुस्लिम लोगों ने उसकी मदद की, तो उस शख्स के दिल से जो बातें निकली वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। चलिए उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार यादव, उत्तर प्रदेश बनारस के धरती का रहने वाला। आज मैं 16 तारीख के लॉकडाउन के चार दिन पहले मैं यूपी बनारस से आया मुंबई में, और अपने घर पे मुंबई में जिस दिन गया उसी दिन जो है लॉकडाउन पूरे भारत में हो गया, और मैं राशन भी नहीं खरीद पाया था मित्रों, और मैं परेशान हो गया। अपने सगे रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया, अपने मेरी इतनी पहचान थी कि यहाँ मुंबई में शिवसेना में लोग रहने वाले बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, उद्योगपति भी हैं, हमारे खुद के भी रिश्तेदार थे, और जोगेश्वरी में हमारे 50 हिंदू भाई और सैकड़ों मित्र थे, जो कि मैं कई जगह फ़ोन लगाया कि भाई मैं फंस चुका हूँ और मुझे आसरा दीजिए, मैं गांव से आया हूँ, मेरा पैसा ख़त्म हो गया और मेरे घर पे राशन नहीं है, मैं इधर फंसा हूँ, मेरा एक बच्चा भी दूसरे के रूम पे रह रहा था वो भी फंसा, वहाँ भी राशन ख़त्म हो गया। हर जगह फ़ोन लगाने के बाद दोस्तों मैं जोगेश्वरी में एक स्थान पे फ़ोन लगाया, जो मुसलमान भाई हैं वो उनको फ़ोन लगाया, मैं बोला भाई मैं फंस गया हूँ, धन्य है वो भारत का सपोर्ट मुसलमान भाई हमारा, आज लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये गद्दार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उन कहने वालों लोगों से कहता हूँ कि एक बार उनसे उनके पास आके तो देखो, उनके पास बैठ के तो देखो, उनसे हालचाल करके तो देखो, वो तुम्हें प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। आज दोस्तों इतने हमारे सारे हिंदू भाई रहते हुए भी अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी मैंने फ़ोन किया और मेरा कोई सहारा नहीं बना। जोगेश्वरी का एक मुसलमान भाई मुझे आज जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है अभी तक हमें हमारे लड़के तक को सबको राशन खाना रहने सोने हर व्यवस्था इन्होंने किया है। यहाँ के कम 50 छोकरे यंग मुसलमान के लड़के कोई पानी लेके आता, कोई बिस्किट लेके आता, कोई चाय लेके आता, बार बार एक ही सवाल, भाई कुछ खाए क्या, भाई कुछ पिए क्या। आज मैं उन लोगों को कहता हूँ जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब गलत है, सबके अंदर सीने में दिल है, सबके अंदर इंसानियत है, जैसा जो जिसको तुम प्यार दोगे वैसा तुम्हारे सामने करेगा वो। अगर देखना है तो उनसे एक बार उनके बीच में बैठो और उनके साथ रह के तो देखो, एक पल उनके साथ गुजार के देखो। आज लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है मित्रों, आज एक मुसलमान के घर में मैं रहता हूँ, आज से, और उस मुसलमान का कहना है कि जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होगा तब तक तुमको तुम्हारे बच्चे को मैं बैठा खिलाऊंगा। जय है भारत का सपूत मुसलमान का बेटा, जय हिंद जय भारत।